तस्वीरें इस वक्त जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ ग्राम अकोला नगर में मनाया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिसमें यहां पर स्वयं सरपंच कावलाल पाटीदार बच्चों के बीच बैठे हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अवसर था भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का। भगवान श्री राम जानकी मंदिर के सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहां पर युवाओं सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे और युवाओं ने जोश और जज्बे के साथ यहां पर मटकी फोड़ आयोजन में भाग लिया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं मंदसौर जिले के ग्राम अकोला नगर की, जिसमें यहाँ पर सर्वप्रथम मटकी यहाँ नंदू राठौड़ द्वारा फोड़ी गई। वही द्वितीय मटकी यहाँ पर वीरेंद्र पाटीदार के द्वारा फोड़ी गई। काफी चक्कर के बाद जब यहाँ पर तृतीय मटकी नहीं फोड़ी गई तो एक छोटा सा बालक आया और उसके द्वारा नारियल के माध्यम से मटकी फोड़ी गई। नारियल के माध्यम से प्रथम बार में ही यहाँ पर प्रभाष शर्मा ने मटकी को फोड़ दिया और 500 रुपए का नगद पुरस्कार भी प्राप्त किया। आपको बता दें कि बालाजी नवयुवक मित्र मंडल के द्वारा आयोजित मटकी फोड़ कार्यक्रम में यहां पर प्रथम पुरस्कार सरपंच कारूलाल पाटीदार द्वारा प्रदान किया गया। वहीं यहां पर द्वितीय पुरस्कार गोपाल पाटीदार, भाजपा महामंत्री पूर्व जनपद सभापति द्वारा यहां पर वीरेंद्र पाटीदार को पुरस्कार दिया गया। वहीं यहां पर तृतीय पुरस्कार बालाजी नवयुवक समिति द्वारा प्रभाष शर्मा को दिया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं मंदसौर जिले के ग्राम अकोला की, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहां पर ग्रामीण जन सहित युवाओं ने मनाया। आपको बता दें कि प्रति वर्षानुसार ग्राम अकोला श्री राम जानकी मंदिर के सामने यहां पर मटकी फोड़ का आयोजन रहता है, जिसमें कई युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और यहाँ पर टोकन के माध्यम से यहाँ पर युवाओं का नंबर लगता है और आंखों पर पट्टी बांध कर यहाँ पर मटकी फोड़ आयोजन होता है। आपको बता दें कि यहां पर प्रथम पुरस्कार 1500 रुपए का पुरस्कार कारूलाल पाटीदार ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा दिया गया। वही द्वितीय पुरस्कार पूर्व जनपद सभापति गोपाल पाटीदार द्वारा 1100 रुपए का प्रदान किया गया। वही तृतीय पुरस्कार यहां पर प्रभाष शर्मा ने प्राप्त किया। वही सरपंच कारूलाल पाटीदार ने कहा है कि युवाओं में प्रतिभा होती है और हमारे गाँव के युवा हमेशा बढ़ चढ़ कर धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और गांव की प्रतिभा कहीं ना कहीं आगे अवश्य जाना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ यहां पर कई युवा मौजूद थे। मटकी फोड़ आयोजन को देखने के लिए यहां पर गांव अकोला नगरवासी उपस्थित रहे। एसके न्यूज नेटवर्क के लिए अकोला से अशोक पाटीदार के साथ सुनील पाटीदार की रिपोर्ट।